नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक, स्वागत है आप सभी। तो भाई, इंडियन रोड्स पर चलने वाले काफी सारे भाई लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्रैफिक के सारे बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस पता होने के बाद भी थोड़े से जल्दबाजी के चक्कर में गलत तरह से ड्राइविंग या राइडिंग करते हैं। अब जब ये लोग रोड्स पर गलत तरह से चलेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे जो सही तरह से चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी और वो इसका ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। लेकिन कई बार उनका सामना कुछ ऐसे टेढ़े लोगों से हो जाता है जो बिना वजह हमेशा लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं और इसी को रोड रेज भी बोला जाता है। और आज ऐसा ही दो रोड रेज फिर से सामने आया है जिसे रिसेंटली सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। ये पहला इंसिडेंट ट्विटर पर भाग्यश्री ने शेयर किया है जो रिसेंटली कर्नाटका के बैंगलोर में किसी जगह पर हुआ है। इसका पहले आप ये वीडियो देखिए। What's your problem, man? What? I was also coming to the left. What's your problem? Just go to the side. यहाँ पर हुआ क्या कि रात के करीब 10:30 बजे के आसपास मैम अपने ऑफिस से वापस घर की तरफ लौट रही थी। तभी एक जगह पर इनको लेफ्ट मुड़ना होता है और उसी समय ये पल्सर वाले भाई कार को लेफ्ट से ही ओवरटेक करने लगते हैं। आप देख सकते हैं जगह बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बार बार मैम लगातार हॉर्न दे रही हैं। लेकिन भाई रुके नहीं, ये चले आ रहे हैं। अब जगह ना मिलने से और हॉर्न की वजह से पल्सर वाले भाई गुस्से में आ गए और ये कार के बिल्कुल सामने ही खड़े हो गए हैं और इसे निकलने नहीं दे रहे हैं और बार बार ये ऐसा कर रहे हैं। हालांकि बाद में क्या हुआ वो मेंशन नहीं है, लेकिन इन्होंने बैंगलोर पुलिस को पोस्ट में टैग किया हुआ है, हो सकता है कुछ एक्शन लिया गया हो। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे भाई लोग छोटी छोटी चीजों पर नाराज हो जाते हैं। एक तो भाई ने हेलमेट नहीं पहन रखा है, दूसरा ये लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं जो गलत है। दूसरा इंसिडेंट रिसेंटली रेडिट पर शेयर किया गया था और ये भी कर्नाटका का ही है। ये सब कैसे स्टार्ट हुआ उसकी एग्जैक्ट डिटेल नहीं है। पहले तो कुछ गंदा इशारा करते हुए ये कार के सामने गए हैं और कार को नीचे से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा भाई खुद को हल्क समझ रहे हैं जो ये गुस्से में आकर कुछ भी कर देंगे, सड़क पर खड़ी किसी भी गाड़ी को उठाकर फेंक देंगे। लेकिन रियलिटी में इनसे कुछ हो नहीं पाया, सिर्फ कार थोड़ी बहुत ही ली है बस। अब ये देखकर बाद में भाई को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो खुद को बाहुबली समझता था और मुझसे कुछ हुआ ही नहीं। और इसी गुस्से में आकर जल्दी से इन्होंने कार का विंडशील्ड तोड़ दिया है ताकि आसपास के लोगों को कुछ तो पावर समझ में आए और भाई की इज्जत बचे। खैर अब ये सब कैसे स्टार्ट हुआ वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि ये भाई लोग बिना वजह जानबूझकर लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं और कार वालों का नुकसान करते हैं। हालांकि कभी कभी कार वालों की भी कुछ गलती होती है, लेकिन इस तरह से हरकतें करना एक तो बिल्कुल भी सही नहीं है, दूसरा ये इलीगल भी है, यानी नियम कानून के खिलाफ है। खैर इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जहां तक है कार वाले की इसमें गलती नहीं है। और अगर ये पूरी तरह से सही है तो इनको पुलिस कंप्लेन करना चाहिए ताकि इन जैसे लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं भाई अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए चीजें स्टार्टिंग से पता नहीं चल पाई हैं, ना ही इसमें वॉइस आ रही है क्योंकि इनका फोन कार में कनेक्ट था। लेकिन अभी यही डैश कैम होता तो हर एक चीज शुरू से रिकॉर्ड होती वॉइस के साथ, जैसा प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है। तो कुल मिलाकर गाड़ी में डैश कैम लगवाना बहुत जरूरी है, तभी आप साबित कर पाएंगे कि आपकी गलती नहीं है और सड़क पर चलने वाले ऐसे लोगों से बच पाएंगे। बाकी आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कॉमेंट में बताइए।